हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशंस आपको बता दिया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, और उसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले भी मैंने बेटा आप लोगों को लिखाए थे। ऑन दैट बेसिस इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आपके देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, और आप अगर देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में होंगे बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर में अभी सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि इंटीग्रेशन हमारा है लेट आई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x² - 3x - 2 अपॉन x+2। ओके बेटा, थ्रू आउट इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आपके लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना, ठीक है ना। आप अभी से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिएगा कि जब तक हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन में बेटा हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्वोशेंट रूल है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, बट इंटीग्रेशन में क्वोशेंट रूल है ही नहीं। यानी कि हमारे पास एक न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, एक डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, ठीक है ना। हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले क्वेश्चन को, यानी कि सिंप्लीफाई इन द सेंस कि हम जो डिनोमिनेटर है इसको एडजस्ट करते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी और रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं जब ये हमारा डिनोमिनेटर एडजस्ट हो जाता है। तो थ्रू आउट इंटीग्रेशन ये बेटा चाहे हम इंडेफिनिट पढ़ें, डेफिनेट पढ़ें, जो भी पढ़ें, वहाँ पर आपका डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। और बस उसको अगर आपने कर लिया सिंप्लीफाई, दैट्स मीन्स आपका क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेशन का सॉल्व होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो इसका हमें ध्यान रखना है। आप लेक्चर जो सेकंड है इसमें ही आप ऑब्जर्व करेंगे, काफी क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहां पर, कि जो डिनोमिनेटर है हमारा उसको बस आपको रीअरेंज करना है, इस तरह से बनाना है डिनोमिनेटर को कि जो हमारा फंक्शन उसके बाद या एक्सप्रेशन जो बने वो इजीली हमारा इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो एलजेब्रिक यहां पर लिखा हुआ है। तो पहला तो ये कि अगर एक्स प्लस टू, क्योंकि एलजेब्रिक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाता है फैक्टराइज करने के बाद, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। कैंसिल बेटा तभी होगा जब x प्लस टू इसका फैक्टर होगा, तो x प्लस टू इसका फैक्टर मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि माइनस टू रखने पर आप ऑब्जर्व करिए आई थिंक ये जीरो नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी कि या तो x प्लस टू कैंसिल हो जाए हमारा, ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, फिर तो आप बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो x प्लस टू ये कैंसिल तब होगा जब x प्लस टू ऊपर ये जो क्यूबिक हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने के लिए माइनस टू रखने पर ये माइनस एट हो जाएगा बेटा, और ये 4 4 16 हो गया, और ये प्लस 6 हो जाएगा माइनस 2। तो आई थिंक आपका पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस नहीं है, तो ये तो पक्की बात है यहाँ पर कि ये कैंसिल नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर बेटा दूसरा सेकंड हमारा जो रूल है वो ये कि हम डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है ना। डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस टू से इस पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस 4x² - 3x - 2, ठीक है ना। क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने बहुत सारे इस तरह के डिवीजन किए होंगे। अगर बेटा कैंसिल नहीं हो रहा है तो एडजस्ट तो इसको करना ही करना है, तो वो हमारा मोटिव क्या है वो देखिए आप जरा, क्योंकि ये लीनियर है तो फाइनली जो रिमाइंडर बचेगा वो कांस्टेंट बचेगा हमारा, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा यहाँ पर कांस्टेंट से क्या फ़ायदा होगा आपका, क्योंकि इसको हम फिर जब अगर लिखेंगे तो एक पॉलिनोमियल प्लस कांस्टेंट अपॉन ये लीनियर ये आ जाएगा हमारा। नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, ठीक है ना, कि सर क्या बोल रहे हैं। चलिए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने वाला था, वहाँ से चीज़ें आप आसानी से समझेंगे। ओके तो ये एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस 2x² बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये आपका 2x² - 3x - 2। फिर से बेटा अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 2x टाइम्स जाएगा, तो 2x² और प्लस 4x बेटा ये बनेगा आपका, तो माइनस माइनस कैंसिल यहाँ से बेटा -7x - 2, और ये -7 टाइम्स फिर चला जाएगा, तो बेटा -7x और ये -14। ये आसानी से बेटा आप लोगों को आते होंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। ये 12 में यही बोल रहा था कि लीनियर बनेगा, तो इट मींस कि हम आई इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं, x² + 2x - 7। ये सभी को पता होगा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ठीक है ना। इसका फिर से मल्टीप्लाई करके प्लस 12 करके अपॉन करेंगे, फिर से ही आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक और मैं बता देता हूँ, जैसे आपने 16 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 15 आ गया 1, तो आप 16 जो आपका 16/3 था, ये यही हुआ ना भाई 16/3, तभी तो डिवाइड किया होगा आपने। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 यानी 5 प्लस जो भी यहाँ पर लिखा 1/3, इसको कैलकुलेट करिए यही आएगा आपका,
ठीक है ना, जैसे आप एलजेब्रा में लगाते हैं नंबर्स के लिए जो प्रॉपर्टी, वही मैंने पॉलिनोमियल्स में यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताऊँ कि इंटीग्रेशन, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, ठीक है ना, 12 अपॉन एक्स प्लस टू। तो यहाँ से तो बिल्कुल एक्स प्लस टू बेटा खत्म ही हो गया, और जो यहाँ पर भी एक्स प्लस टू बचा हुआ है तो इसके न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट है। न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट से क्या मतलब हुआ कि अगर लीनियर है तो उसको हम एक्स मानकर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा कि सपोज दैट इंटीग्रेशन हमारा कोई लिखा हुआ है वन अपॉन, ठीक है ना, एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है सपोज, या टू एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो इसको आप वन अपॉन एक्स बेटा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। लीनियर है तो जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ना कि पूरे फंक्शन को हम एक्स मान लेते थे, फिर करते थे, फिर चैन रूल अप्लाई करते थे ऑन दैट बेसिस, ठीक है ना। यहाँ पर भी लीनियर अगर है तो उसको हम एक्स मान सकते हैं, तो वन अपॉन एक्स का बेटा लॉग एक्स हो जाता है, ठीक है ना। बट ये ध्यान रखना है जो भी एक्स का कोफिशेंट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर टू, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ये आप याद रखिएगा, ओके। तो अगर ऐसा है तो 12 तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू क्योंकि ये लीनियर है। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक होता है, सपोज दैट 2 एक्स स्क्वायर लिखा होता तो बेटा फिर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, ये गलत है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इसको नहीं ले सकते हैं, ये इंटीग्रेशन के रूल में नहीं आता है। बट अगर बेटा लीनियर यहाँ पर अगर है, इसको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, तो वी कैन कंसिडर इसको 1 अपॉन एक्स, एक्स मान सकते हैं। बट फिर जो एक्स का कोफिशियंट होगा बेटा उसका यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट में कल हम लोगों ने शायद ये कल लेके लेक्चर में हमने सीखे, अगर नहीं सीखे हैं तो बेटा मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो अभी के लिए मैं बोलूँगा कि इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन, इसका इंटीग्रेशन अलग डी एक्स, प्लस 12 बाहर बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन अलग, ओके। तो अलग अलग कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं बेटा। जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू अपॉन थ्री बेटा, प्लस टू बाहर रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ओके, माइनस सेवन का इंटीग्रेशन सेवन एक्स हो जाएगा क्योंकि सेवन बाहर आएगा, डी एक्स का एक्स हो जाएगा बेटा, ये रहेगा, और प्लस 12, इसको हम 1 अपॉन एक्स कंसिडर कर सकते हैं बेटा, तो लॉग एक्स प्लस टू, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा उसका ऐसा, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बेटा c, ध्यान रखिएगा ये अलग चल रहा है। तो फाइनली बस ये हमारा हो गया, कुछ आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, 2 से 2 चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं बेटा यहाँ पर, तो एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 log x प्लस 2, और सभी के लिए इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c है तो ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स प्लस टू अगर फैक्टर होता है फिर तो ये कैंसिल ही बेटा हो गया होता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक है ना। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये डिवीजन रूल आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह से है, ठीक है ना, मैं हिंट कर दे रहा हूँ इसमें आपको, अगर नोट करना चाहते हैं तो बेटा वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और नोट डाउन भी बेटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ हम लोग चलते हैं अपने, लेट आई इक्वल टू बेटा एक्स आर फोर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, एलजेब्रिक है नोमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है, सॉरी ओ वन है, सॉरी, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका फैक्टर हो जाए तो डेफिनेटली फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन आप बाहर नहीं कर सकते, तो फिर सबसे आसान तरीका है डिवाइड रूल, आप डिवाइड करिए एक्स आर फोर प्लस वन को एक्स स्क्वायर प्लस वन से, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर आप लोग क्लास 12th में है तो मुझे लगता नहीं कि इसके डिवाइड में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस वन करेंगे बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा टू, तो वी कैन राइट इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बेटा ये डी एक्स, आसानी से इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, क्वाड्रेटिक है डेफिनेटली बेटा हम इसको एक्स नहीं मान सकते, ठीक है ना। कुछ बच्चों को आएगा सर हम कैसे करेंगे, वो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन, चलिए ऐसे लगा देते हैं, टू कॉन्स्टेंट बार है, वन अपॉन इसको हम वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर देखते ही आपको याद आना चाहिए कि ये बेटा टेन वर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, टेन वर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे, अगर आपको याद नहीं है तो लेक्चर वन में जाइए बेटा मेरे, जो वीडियो लेक्चर वन है उसमें देखिए मैंने सारे फॉर्मूले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, अगर आपको याद है तो देखकर ही आपको याद आ जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स बेटा, और प्लस टू ये हो जाएगा आपका टेन वर्स एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, सभी के लिए सिंपल।
जो मैंने फ्रैक्शन बताया था इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यानी सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद करेंगे। नेक्स्ट बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 3 इसी सीरीज में। अगर नोट करना चाहते हैं, मैं कहूँगा बेटा कि वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, ठीक है ना। स्क्वायर में बेटा हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, एक sec स्क्वायर एक्स और एक tan स्क्वायर एक्स, सॉरी sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स, स्क्वायर में स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमारे पास। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा tan x और cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x, ठीक है ना। इसके अलावा tan स्क्वायर और cosec सॉरी cot स्क्वायर को, tan स्क्वायर cot स्क्वायर को हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cot स्क्वायर एक्स को कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करके हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। अब ये आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो बेटा पहले हम ये देखेंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स की कोई आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास इसका नहीं है, ठीक है ना। फिर कैसे, तो आपको ध्यान हो साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो स्क्वायर तो एलिमिनेट हुआ नहीं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में स्क्वायर कॉस के साथ आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिखना नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है, शायद आपको क्लास 10 से याद होगा, कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, या कॉस थीटा इक्वल टू वाट एवर यू से, वहाँ पे कॉस थीटा होता था, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। बेसिकली फार्मूला तो हमारा कॉस 2 थीटा होता था, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये फार्मूला होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। यहीं से आप 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा, थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, और 2 यहाँ से हटाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और बेटा अगर कॉस स्क्वायर का करना हो, ठीक है ना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए कॉस स्क्वायर का करना होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कभी भी अगर इंटीग्रेशन आ जाता है तो इन फॉर्मूलों को आप अलग से लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में बेटा फॉर्मूलों का बहुत बहुत, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो वो बेसिक फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं, वो अगर आपको याद हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना आसान रहेगा। जैसे ही हमने साइन स्क्वायर को देखा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए तुरंत, अच्छा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, अगर थीटा है तो कॉस 2 थीटा बन जाएगा, और अगर आपका थीटा वाई, जैसे यहाँ पर एक्स वाई 2 है या थीटा वाई 2 है, तो वहाँ पर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बेटा मैं आपसे बोलूँगा कि अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, सबको हटाइए, ठीक है ना, फॉर्मूले लर्न कर लिए कि स्क्वायर अगर कहीं पर आप देखते हैं तो बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर के लिए, और कॉस स्क्वायर के लिए बेटा देखिए यहां क्या है कि स्क्वायर एलिमिनेट हुआ, यहां पर 2 थीटा आ गया, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहां ये फॉर्मूले आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। थीटा है तो 2 थीटा, अगर यहां पर एक्स वाई 2 होगा बाई दिस, तो यहां से हम 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 बेटा ऐसे लिख सकते हैं, डबल हो जाता है एंगल का, यहाँ पर साइन है तो माइनस, कॉस है तो प्लस, और अगर ऐसा करना है तो 1 अपॉन 2 रखिए बाहर बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स। और जैसा मैंने आपको बताया है कि अब अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, या तो क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए बेटा यहाँ पर 1 अपॉन 2 बाहर चल रहा है, तो इंटीग्रेशन 1 का dx के साथ होगा x बेटा, और cos x का हो जाता है बेटा sin x प्लस c, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत आसानी से हमारा साइन स्क्वायर, ये अगर फॉर्मूले आप मेमोराइज कर लेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अब हमारे साथ क्या हुआ कि हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पता लग गया कैसे करना है। कुछ ये इंटीग्रेशन है बेटा जो हमें टिप्स पर रखने पड़ते हैं, ठीक है ना, जैसे ही आया तुरंत सोचना नहीं है, कर देना है। उसके बाद sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ठीक है ना। तीसरा आपका tan स्क्वायर और cot स्क्वायर में sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, तो हमारे पास सारे स्क्वायर के फॉर्मूले आ गए, ठीक है ना। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसी सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसे 1 अपॉन 1 प्लस sin x बेटा, ठीक है ना। फिर से ये डिनोमिनेटर है, फिर से क्वेश्चन ये होता है कि हमें डिनोमिनेटर में जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं तो डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर कैसे करें, न्यूमरेटर 1 है तो सेपरेशन वगैरह भी नहीं हो सकता बेटा। मैं कहूँगा अगर आपसे पॉसिबल अगर हो डिनोमिनेटर को, जैसे ये 2 टर्म्स में लिखा हुआ है, एक 1 और एक साइन एक्स,
अगर पॉसिबल है तो इसको वन टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सिर्फ साइन एक्स रह जाए या कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगा फिर तो फिर बहुत बढ़िया, वो तो भारी आ जाएगा, खत्म हो गया, या तो सिर्फ कॉस एक्स में आ जाए, यानी सिंगल टर्म में। तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वन प्लस साइन एक्स है, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करिए। ये आप कर सकते हैं, ये हमेशा ये याद रख सकते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है किसी क्वेश्चन में कि आप उसको सिंप्लीफाई अगर नहीं कर पा रहे हैं सपोज दैट, और ईजिली अगर वन टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो कर सकते हैं। वन प्लस साइन एक्स है, वन माइनस साइन एक्स का करेंगे तो वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स जो आपका वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, बट ये है कि टू टर्म से वन टर्म यानी कॉस स्क्वायर आ गया, फिर हम सेपरेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेशन मीन्स जैसे अगर यहाँ पर जो टर्म्स लिखे होंगे दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जो अलग अलग टर्म्स होते हैं उसके अपॉन में कर सकते हैं, और जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। जनरली अगर नहीं होगा तो हम देखेंगे उसमें क्या है। ये ट्रिक्स आपको सारी याद रखनी पड़ेगी बेटा इंटीग्रेशन में। तो ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में बेटा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा बेटा डी एक्स आई इक्वल टू ये 1 माइनस साइन एक्स बेटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेपरेशन करिए आप इसको, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से फायदा एक तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे बेटा तो ये सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा जिसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, यानी आसानी से हो गया। तो इन जनरल कभी भी अगर आप ऐसा देखते हैं सिंप्लीफाई अगर डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है और अगर उसको आप वन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके जो भी है आपका न्यूमरेटर, तो आप उसको करिए, क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रख सकते हैं। चलिए यहीं पर इसको कर देता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बेटा अलग आएगा, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस, और अलग अलग इंटीग्रेशन करना है उसमें तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो बेटा सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, एक कॉस जो है वो साइन के साथ एडजस्ट करेंगे साइन अपॉन कॉस टेन, और एक कॉस बचेगा जो वन अपॉन कॉस बेटा वो सेक हो जाएगा, तो sec x tan x, तो दैट मीन्स i इक्वल टू बेटा sec स्क्वायर x का tan x इंटीग्रेशन और माइनस sec x tan x का sec x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए आप, क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरीके से दे रखा है, बट इस क्वेश्चन में sin x दे दिया यहाँ पर sin x, ठीक है ना। तो कई तरीकों से कर सकते हैं, मैं एक मेथड आपको बता दे रहा हूँ इसमें, अगर बेटा नोट करना चाहते हैं इसको तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आपको खुद ही करना है। I इक्वल टू जैसे ये साइन एक्स लिखा हुआ है और न्यूमरेटर आप डिनोमिनेटर वन प्लस साइन एक्स है, तो अगर बेटा अगर हम इसमें वन प्लस कर दें कॉन्स्टेंट है और माइनस वन कर दें, इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये पूरा वन आ जाएगा, और दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी बताया वही बन जाएगा, यानी इसको हम इस तरह से, और सेपरेशन तो हमें करना ही है, ये अलग टर्म कर लिया और माइनस, देखिए ये वन हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जो मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में वन माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करके कर सकता है, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम इसमें वन माइनस साइन एक्स का यहाँ पर कर दें फिर, तो करके देखिए वहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसमें कॉन्स्टेंट था, ठीक है ना, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका बन गया। अगर बन जाता है साइन एक्स के साथ तो आप कर लीजिए, और अगर नहीं बनता है तो रहने दीजिए आप। अगर आपने 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, फिर जो 1 माइनस साइन एक्स आएगा इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, और अगर अगर और मैं आपको बता रहा हूँ कि बन जाएगा वो भी, ठीक है ना। अच्छा इसको तो कर लेंगे, कुछ बच्चे जो हैं अल्टरनेट मेथड डालिए, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा अल्टरनेट करके डाल दीजिएगा सेकेंड आई इक्वल टू, हम ऐसे ही कर दें जैसे अभी किया था, हम ये सब नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर दिमाग में कुछ भी आता है आपके, ठीक है ना, कि ऐसा कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका उसको कि उसको करके देखिए, ठीक है ना। करके देखेंगे तो अगर प्रॉब्लम होगी तो वो समझ में आ जाएगा, और अगर सॉल्व हो जाता तो आपको पता लग जाएगा कि आपका सोचने का तरीका बिल्कुल ठीक था, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके बेटा ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स बेटा और 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेपरेशन हमें करना है तो अंदर मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसका, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा और अपॉन
कॉस स्क्वायर। अब इसको करिए आप अलग अलग, तो ये तो सेक एक्स टेन एक्स हो ही गया बेटा, दिस अपॉन दिस, और माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका तो सेक एक्स हो ही जाएगा, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा इसको, इसका इंटीग्रेशन बेटा सेक एक्स हो जाएगा आपका आई इक्वल टू और माइनस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन से, तो ये आपका सेक एक्स रहेगा फाइनल, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन, और माइनस वन का एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी फाइनल। ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं बेटा, तो ऐसा नहीं कि वही एक तरीका है, ठीक है ना, इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए इसके बाद इसमें आप लोग, क्वेश्चन नंबर सिक्स, sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, बहुत कॉमन सा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत क्वेश्चन इस तरह के किए होंगे, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में sec x प्लस टेन एक्स। तो मैं कहूँगा इसमें तो सबसे आसान तरीका ये कि sec x माइनस टेन एक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x होगा, जो कि वन हो जाएगा, डिनोमिनेटर खत्म ही हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर आप खत्म कर पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले कर दीजिए, मैं आपको बोला इंटीग्रेशन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है ना, आई इक्वल टू। तो बेटा क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हम, कि sec x प्लस टेन एक्स अगर लिखा हुआ है, हम sec x माइनस टेन एक्स का ठीक है ना मल्टीप्लाई कर दिया ये हमने इसमें, ओके। अब ये तो sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x बनेगा, और इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec स्क्वायर x माइनस बेटा sec x टेन एक्स, और ये आपका बेटा sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x जो कि वन हो जाएगा। इसका बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए न्यूमरेटर का, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड, और sec x tan x का भी बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा बेटा आपके पास tan x, और sec x tan x का भी sec x, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ओके। यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ देखिए कुछ बच्चों को आएगा कि सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा ये सारा का सारा कि हम sec x, तो पहले तो मैं बताता जा रहा हूँ लॉजिक कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको थ्रू आउट इंटीग्रेशन जब तक आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हमारे पास क्वेश्चन रूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला क्वेश्चन को वो क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना, मतलब जैसे एलिमिनेट कर सकते हैं तो एलिमिनेट करिए आप, या फिर अरेंज हो जाए किसी के साथ न्यूमरेटर के टर्म के साथ तो अरेंज कर लीजिएगा, ये सारा का सारा। और होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो ये चीज़ें आपको अपने से समझ में आने लगेंगी, जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि sec x + tan x आप देखिए, ठीक है ना, कहीं भी अगर दिख जाए तो इसके कॉन्जुगेट करने sec x माइनस टेन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x डिनोमिनेटर बनेगा हमारा जो कि वन हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया आपको। तो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें बेटा आपके माइंड में आती रहेंगी कि हमें इस तरीके से करना है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, ठीक है ना, उसको आपको जो है बेटा वो याद रखना है, ओके।